एंड वेलकम बैक। आज है संडे और अभी इवनिंग के बज रहे हैं 7 और अभी बाहर लाइट है। वैसे यहाँ पे 7:30 और 8 o'clock तक समर में लाइट रहता है बाहर ऐसे ही। तो और हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे जो वीकली ग्रॉसरी है वो लाने के लिए। वैसे वी आर प्लानिंग टू गो इन द मॉर्निंग, सुबह में जो फार्मर्स मार्केट है वहाँ पे। लेकिन वीकेंड है तो लेट तक सोना तो बनता ही है, इसीलिए हम लोग सुबह नहीं जा पाए। वैसे फार्मर्स मार्केट में ज़्यादा फ्रेश मिलते हैं वेजिटेबल्स वगैरह डेफिनेटली, लेकिन अभी तो वीक में काम करना ही है। वीकेंड में हमारा और कुछ हो या ना हो वेजिटेबल लाना इज मस्ट, तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं लूलू। तो वहाँ से कुछ वेजीज वगैरह ले लेंगे, फिश या दिस वीक फॉर दिस वीक। और मैं तैयार हो चुकी हूँ और इंद्रजीत तैयार होगा और उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं और मैंने ले लिया है कैरी बैग्स, क्योंकि यहाँ पे अभी बैग देना बंद कर दिया, बंद नहीं कर दिया, ऑफ कोर्स ये चार्जेबल हो गया है विच इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली। तो चलिए निकलते हैं। और यहाँ पे इंद्रजीत लॉक कर रहे हैं गेट और मैं आ गई हूँ लिफ्ट बुला। बाजार करके वापस, बाजार नहीं थोड़ा बहुत चीज़ें, और मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि लास्ट वीक फार्मर्स मार्केट से हम लोग लेके आए थे चीज़ें, तो वो अब तक है। बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए था वही लाई हूँ, क्योंकि फार्मर्स मार्केट में हमेशा ही अच्छा फ्रेश एकदम मिलता है और ये तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह में उतना फ्रेश नहीं होता। स्टिल चलिए जो भी ज़रूरत का होता है वो मिल ही जाते हैं एनीवेज। तो वही है, अभी तो डिनर बनाने का टाइम है और उसके पहले मैं दिखाऊंगी क्या क्या लेके आई हूँ मैं, और उसके बाद आज का डिनर। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर फ्रेंकी, तो वही उसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। है सारी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत ही है, तो लेट मी शो यू। ये है क्या है, फ्लेवर्ड योगर्ट, मुझे बहुत पसंद है। तो ये है फ्लेवर्ड योगर्ट्स, और फिर दही, दूध, केला, मैंगो, ऑफ कोर्स मैंगो का सीज़न है अभी। देन पनीर है यहाँ पे, एंड दीज आर ग्रेप्स, और एक बिस्किट का पैकेट, और ये है दो क्रूसो, दो इसमें एक्चुअली चाट थे, दो ऑलरेडी हम लोगों ने खा लिया, दो है यहाँ पे। अनियन है और ये कच्चा केला है, एंड देन ब्रिंजल, देन यहाँ पे है करेला, और यहाँ पे है नींबू, देन यहाँ पे क्या है पोटैटो, और ये है बॉटल गर्ड लौकी। तो बस इतना ही चीज़ें हैं हमारा, और कुछ चीज़ें ऑलरेडी घर पे है जैसे मैंने बोला ऑलरेडी। डिनर बनाने का टाइम हो गया है और मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे सारे वेजेस जो मैं बनाने लेने वाली हूँ पनीर फ्रेंकी बनाने के लिए। यहाँ पे है बेल पेपर्स, कैप्सिकम, कैरेट और अनियन, बस और कुछ नहीं। आप अपने हिसाब से अपने पसंद की कोई भी वेजीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं सारी वेजीज को ऐसे लंबा लंबा करके कट कर लूँगी ताकि सब एक ही जैसे हो, तो अच्छा लगता है देखने में भी। पैन में मैंने ले लिया है ऑयल और उसमें अभी मैं डाल रही हूँ अनियन।
अनियन को थोड़े से मैं फ्राई कर लूंगी और उसमें मैंने जो सारे अभी जो वेजीज कट करके रखे थे उसको मैं डाल दूंगी। और अभी थोड़ी सी मैं सॉल्ट डालूंगी इसमें और फिर इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए। और इन द मीन टाइम यहाँ पे मैं जो पनीर है उसको ग्रेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है तो उसको मैंने पूरा ग्रेट कर। तो ये वेजी सारे बन चुके हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से मसाला लाइक टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। इट्स लाइक ऑप्शनल, आप मन करे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी मैं डाल रही हूँ और फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी वाटर ताकि ये वेजीज अच्छे से पक जाए। यहाँ पे वेजीज पूरा बॉयल हो चुके हैं और फिर मैं यहाँ पे अभी ऐड कर रही हूँ पनीर। अच्छे से मिक्स कर दूंगी पनीर को सारे वेजीज और मसालों के साथ और फिर ये बनके मेरा स्टफिंग तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, ये आटे की पराठा है तो यू नो मैदे से, मैदा एक्चुअली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं तो बेसिकली हम लोग आटा ही, आटे का ही पराठा बनाते हैं। तो थोड़ी सी ऑयल डाल के और ये पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं तो डिनर के टाइम सिर्फ इसको असेंबल करना है। तो हो गई है कुकिंग, अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो आ चुका है, लेट मी शो यू। बहुत जल्द एक्चुअली मैं किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर करूँगी तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया था तो, और कुछ चीज़ें मुझे एक्चुअली चेंज भी करना था तो थोड़ा बहुत चीज़ें मैं दिखाऊंगी और थोड़ी बहुत चीज़ें तो वीडियो के लिए ही रहेगा। तो एनीवेज चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें मैंने ऑर्डर किया था और क्या आया है। ये है सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर किया था। एक तो है ये 3 टायर जो मसाले रखने की शेल्फ होती है वो, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टडी है ये। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई यू कैन चेक फ्रॉम देयर। और उसके साथ मैंने और क्या क्या ऑर्डर किया है मैं दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने थोड़ा इसको ओपन करके देख लिया था चीज़ें सही सलामत है कि नहीं है, तो सिर्फ इसको निकालना बाकी है क्योंकि ये ग्लास आइटम है तो आई हैव टू चेक। और ये है 2 ऑयल जार, ये एक है और ये दूसरा। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे से नोजल्स है, इंची वैक्सी आई गेस। दिस इज 500 ml। चलिए, मैं बहुत दिनों से ग्लास वाली लेने के लिए सोच रही थी। 450 ml का है ये, यहाँ तक भरेगा आई गेस 500 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे वही लिखा था। और ग्लास का अच्छा है क्लीन करना और मेंटेन करना, बट थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज ये काफ़ी अच्छी है। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया ये भी, और एक ऑर्गेनाइजर है। ये ऐसा दिखता है, तो ये बेसिकली है प्लेट्स रखने के लिए, इधर आप प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं और इधर भी ऊपर, तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो नाउ इट्स डिनर टाइम और मैं सारे सामान लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पे है स्टफिंग, पराठा और सॉस। वैसे ये एक्चुअल में पनीर फ्रैंकी तो नहीं है, वो अलग ही होती है, बट काइंड ऑफ क्योंकि खाना होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल। तो चलिए इसको रैप करती हूँ मैं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो सिर्फ
स्टफिंग डालूंगी और सॉस डालूंगी, बस और कुछ नहीं। खत्म करती हूँ, ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग अभी सोने वाले हैं और कल है मंडे, तो नया वीक स्टार्ट कल से और नए तरीके से सब काम में लग जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय।